हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही वन प्लस ने अपने वन प्लस नॉट के सक्सेसर वन प्लस नॉट टू को लॉन्च कर दिया और ये बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर देखने को मिलता है। इसे हम फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो वहीं आपको पोको ने भी अपने बहुत ही चर्चित स्मार्टफोन पोको F3 GT को भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन आपको लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन कर बताएंगे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा और साथ ही इन दोनों ही स्मार्टफोन की अच्छी और बुरी बातें भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको बेस्ट स्मार्टफोन अपने लिए ढूंढने में मदद होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के कॉमन फीचर को, जो कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिमिलर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन की जो आपको प्रोसेसर है वो आपको एक ही देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिलती है। डायमंडसिटी 1200 का प्रोसेसर इन दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, इसका अंतुतु स्कोर 6.5 लाख से भी ऊपर देखने को मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है। और साथ ही इन दोनों स्मार्टफोन में आपको UFS 3.2 का भी स्टोरेज देखने को मिलता है, जिससे आपका स्मार्टफोन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। लेकिन जो OnePlus का UI या ऑक्सीजन OS वो आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलता है MIUI के कंपैरिजन में। वहीं आपको जो MIUI है वो आपको ज़्यादा हैवी देखने को मिलता है ऑक्सीजन OS के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, ये आपकी पसंद हो सकती है, आपको कौन सा UI ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुतों को MIUI भी अच्छा लगता है और बहुत लोगों को ऑक्सीजन OS भी अच्छा लगता है। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट और बैक में ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन आपको पोको F3 GT में फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं आपको OnePlus Nord 2 में कोई सा भी प्रोटेक्शन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। वहीं आपको पोको F3 GT में साइड में आपको मेटल का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आपका पोको F3 GT थोड़ा हैवी हो जाता है। वो आपको कम से कम 200 ग्राम पे भी प्लस चला जाता है उसका वजन। वहीं आपको OnePlus Nord 2 लाइट हो जाता है पोको F3 के कंपैरिजन में। इसमें आपको वजन केवल 1.82 ग्राम का ही देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पोको F3 GT बिल्ड क्वालिटी में बाजी मार जाता है। तो वहीं आपको पोको F3 GT में एक ट्रिगर्ड बटन भी देखने को मिलता है, जिससे आपको गेमिंग में बहुत ही हेल्प देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ बटन आपको OnePlus Nord 2 में नहीं देखने को मिलता है। तो अगेन आपको इस कंडीशन में भी पोको F3 GT बाजी मार जाता है। दोस्तों, अब हम इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तरफ देख लेते हैं। तो दोस्तों, OnePlus Nord 2 में आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 90Hz हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ देखने को मिलते हैं। वहीं आपको पोको F3 GT में 6.67 इंच की यहां भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन आपको इसमें 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है और साथ ही आपको 480Hz की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलती है। वैसे तो OnePlus Nord का डिस्प्ले आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग करना है तब आप पोको F3 GT के डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट ज़्यादा देखने को मिलती है और साथ ही आपको टच सैंपलिंग रेट भी OnePlus Nord 2 से ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पोको F3 GT की तरफ देख सकते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप OnePlus Nord 2 की तरफ भी जा सकते हैं। इसका डिस्प्ले भी आपको निराश नहीं करेगा और इसका क्वालिटी भी आपको पसंद आएगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की कैमरे की। तो OnePlus Nord 2 में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 15 मेगापिक्सल का और साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का फालतू का सेंसर देखने को मिलता है। वहीं आपको पोको F3 GT में भी ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं साथ ही यहाँ पे भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का फालतू सेंसर देखने को मिलता है। वहीं आपको OnePlus Nord 2 में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वहीं आपको पोको F3 GT में 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। पोको F3 GT का जो कैमरा उसे हम केवल डिसेंट कहेंगे, लेकिन सीरियसली आपको OnePlus Nord 2 में ऑसम क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसका पिक्चर और वीडियो क्वालिटी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको सोनी का IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कमाल का फोटो और वीडियो निकाल कर देता है।
तो चाहे आप ऑसम लेवल की वीडियोग्राफी करें या फिर आप बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक करें अलग अलग रीजन्स में, आपको इसका कैमरा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा और इस कैमरा की क्वालिटी आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। पोको F3 GT में आपको केवल डिसेंट साइज कैमरा देखने को मिलता और साथ ही इस स्मार्टफोन के कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता और इसमें भी आपको सोनी IMX616 का सेंसर देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक बेस्ट और ऑसम सेल्फी लेना है तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। वहीं आपको पोको F3 GT में केवल 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए इन दोनों ही में, तो OnePlus Nord 2 से अच्छा कैमरा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी कैमरा और वीडियो क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा ऑसम देखने को मिलती है और साथ ही आपको रियल में OIS और दोस्तों फ्रंट में EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों वहीं आपको पोको F3 GT में केवल EIS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप अगर कैमरा लवर हैं और आपको एक कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus Nord 2 की तरफ जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की। OnePlus Nord 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी 65W के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलती है। हालांकि ये डाउनग्रेड हो सकता है पोको F3 के कंपैरिजन में। दोस्तों OnePlus वाले को अपने बैटरी पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। वहीं आपको पोको F3 GT में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की सिम एंड कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम के ट्रे देखने को मिलता है, जिसमें आप केवल 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हैं। इसमें आपको अलग से माइक्रो SD कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता है। वहीं आपको OnePlus Nord में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वहीं आपको पोको F3 GT में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों एक और प्लस पॉइंट आपको पोको F3 GT में देखने को मिलता है, इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे आपका स्मार्टफोन बहुत ही कम हीट करेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको स्मार्टफोन से बहुत ही कम हीट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइस की। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको 3-3 वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 6GB और 128GB वाला बेस वेरिएंट देखने को मिलता है और साथ ही आपको 8GB प्लस 128GB और 12GB और 256GB का ऑप्शन देखने को मिलता है। OnePlus Nord 2 के बेस वेरिएंट का प्राइस ₹27,999 देखने को मिलता है। वहीं आपको पोको F3 GT के बेस वेरिएंट का प्राइस ₹26,999 देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप फर्स्ट सेल में पोको F3 GT को खरीदते हैं तो ये आपको ₹1,000 से सस्ता देखने को मिलता है, ₹25,999 का देखने को मिलता है। दोस्तों बाकी वेरिएंट की प्राइस हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की फाइनल कंक्लूजन की। दोस्तों अगर आपको एक गेमिंग ओरिएंटेड फोन चाहिए तो आप पोको F3 GT की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रिगर बटन देखने को मिलता है और साथ ही इसमें आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ डिस्प्ले भी आपको ज़्यादा बड़ा और साथ ही आपको वेपर कूलिंग सिस्टम के साथ ही दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की लॉन्ग बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप पोको F3 GT की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए और साथ ही आपको ऑसम कैमरा चाहिए तो आप OnePlus Nord 2 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैमरा क्वालिटी बहुत ही ऑसम लेवल की देखने को मिलती है और इसका ऑक्सीजन OS भी आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज देखने को मिलता है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको सभी लेवल पर बेस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।